हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड ने जो 10th एंड 12th के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं, उनका असेसमेंट कैसे होगा। ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने के आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स एंड आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स 1 जुलाई से कंडक्ट कराए जाने थे, बट नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। एंड अब 10th के लिए कोई एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, पर 12th के पास ऑप्शन होगा। यस, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहते हैं तो वो एग्जाम दे सकते हैं, एंड अगर उन्हें एग्जाम नहीं देना है तो उनके प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब वो मार्क्स एग्जैक्टली कैसे दिए जाएंगे एंड कौन से पेपर्स काउंट होंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट 15th जुलाई तक आ जाएंगे अंडर अ स्पेशल स्कीम। मोस्ट प्रोबेबली 15th जुलाई तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, ताकि आप लोग एडमिशन ले सको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, जिसमें भी आपको लेना है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, तो वो अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जिसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं करी गई हैं। तो 10th एंड 12th क्लास के एग्जाम्स कुछ 40 सब्जेक्ट्स के नहीं लिए गए थे। तो ये इवैल्यूएशन होगा कैसे, जो एग्जाम स्टूडेंट्स दे चुके हैं उनके बेसिस पर उनके बचे हुए एग्जाम्स के मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया था लॉकडाउन में ही, क्योंकि टीचर्स को आंसर स्क्रिप्ट उनके घर पे पहुंचा दी गई थी। तो कैलकुलेशन कैसे होगी आपके मार्क्स की, अगर किसी स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट्स या उससे ज्यादा के एग्जाम दिए हैं, तो उनका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स का। एंड जो भी एवरेज निकलेगी वही मार्क्स उस एग्जाम पे अपलोड कर दिए जाएंगे जो आपने नहीं दिया है। ऐसा उन स्टूडेंट्स के साथ होगा जो 3 एग्जाम से ज्यादा में अपीयर हो चुके हैं। एंड जो स्टूडेंट सिर्फ 3 एग्जाम्स में ही अपीयर हुए हैं, उनके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा एंड उसका एवरेज निकाल के जो बचा हुआ पेपर है उसके मार्क्स दिए जाएंगे। दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं 10th क्लास के जिनके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, पोस्टपोन हो गए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स की वजह से। तो वैसे तो काफी कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 2 एग्जाम्स दिए थे, बट जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सो उनका रिजल्ट कैलकुलेट करा जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन अपीयर्ड सब्जेक्ट्स एंड द परफॉर्मेंस इन इंटरनल और प्रैक्टिकल असेसमेंट। सो ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा, काफी कम हैं, बट अगर ऐसे स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वो एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये उनके लिए ऑप्शनल रहेगा, उनकी ही चॉइस है कि वो अपीयर होना चाहते हैं या नहीं, या फिर वो एवरेज मार्क्स लेकर अपने मार्क्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स आईसीएसई बोर्ड के हैं उनके एग्जाम्स भी जुलाई में कंडक्ट होने थे एंड वो भी कैंसिल हो गए हैं, बट सीआईएससीई जो मेन बोर्ड है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो बाद में जो भी एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं वो हो सके। एंड ये भी कहा जा रहा है कि सीआईएससीई 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी मौका देंगे अगर उन्हें अपियर होना है अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है। ये एक न्यूज आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस का है, हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से उठाई है। एंड सीआईएससीई बोर्ड के रिजल्ट्स भी मिड जुलाई तक आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीबीएसई के हैं एंड सीआईएससीई बोर्ड के हैं, ये डिसीजन टोटली आप लोगों पर रहता है कि आपको एग्जाम्स देने हैं या फिर आपको एग्जाम्स नहीं देने हैं। एंड आप ये न्यूज आर्टिकल का लिंक देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हमारी आईडी है literarynerds_, और यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 hours। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड टेक केयर।